लेट्स कंटिन्यू विथ फ्रॉम वी लेफ्ट ऑन द अर्ली क्लासरूम सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था इनपुट वोल्टेज एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवेन जीरो सेवेन इन टू इनपुट वोल्टेज एट मिड रेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन यूज किया था कि इंपीडेंस ऑफ द कैपेसिटर मींस इम्पीडेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर इज इक्वल टू समेशन ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस मींस आर एस प्लस इनपुट रेजिस्टेंस आर एम सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन कैलकुलेट द कटऑफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डी टू द कपलिंग कैपेसिटर सी वन हम लोग ये कंडीशन यूज करके सिंस ये इंपीडेंस किसका है कपलिंग कैपेसिटर ऑफ सो हम लोग इस को यूज करके ये कंडीशन को यूज करके इस ड्यू टू द हम लोगों ने देखा था दो कपलिंग कैपेसिटर था सी वन एंड सी टू कितने कपलिंग कैपेसिटर थे C1 वन एंड सी तो हम लोग उस कपलिंग कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर C1 सो so, हम लोग जानते हैं कि इंपीडेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 1 बाई जे ओमेगा सी सिंस हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी C1 यहां पे क्या आ जाएगा C1 सी है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने एफ वन से जूम किया है तो वन बाई टू पा इंटू सी वन तो ये एफ वन का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा वन बाई टू पाई ब्रैकेट आर एस प्लस आर इन ब्रैकेट क्लोज सी हम लोग आर इन का मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम लोग और इसका ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर C1 और इसका वैल्यू ये आ गया और इसका फेज क्या आएगा टू के बीच में आएगा हमने क्या किया आर एस प्लस को हमने क्या आर इफेक्टिव एज्यूम किया और आर इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस प्लस आर इन मैंने एज्यूम किया और ये अपना लोअर कट ऑफ का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू दी वन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर सी टू देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू कैपेसिटर सी हम लोगों को तीन लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगा वन ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर सी वन सेकेंड कपलिंग कैपेसिटर ड्यू टू सी टू एंड थर्ड बाईपास कैपेसिटर इस तीनों लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा लो, लोअर कट ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग लेंगे बाकी दोनों को हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे देखिए ये कैपल ये कपलिंग कैपेसिटर एट द इनपुट साइड है इसीलिए हम लोगों ने इसको C1 माना एक कपलिंग कैपेसिटर एट द आउटपुट साइड था उसको हम लोग क्या मानेंगे C2 मानेंगे और एक बाईपास कैपेसिटर अक्रॉस C था तो हम लोग ड्यू टू द बोथ ऑल थ्री C1 C2 और C3 के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्सिमम को लेंगे बाकी दो को रिजेक्ट कर देंगे तो हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दी वन निकाल चुके हैं उसका प्रॉपर हम लोगों ने डेरिवेशन देखा सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ड्यू टू दी टू एंड निकालेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द बाईपास कैपेसिटर सी निकालेंगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे इसको तो देखिए हम लोगों ने लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू वन अभी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा फॉर्मूला क्या आया वन बाई टू पाई ब्रैकेट आर एस प्लस आर इन वन हम लोगों ने देखा सिमिलरली हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर C2 कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सिर्फ यहाँ पे क्या है सोर्स रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या है इनपुट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ तो सेम फॉर्मूला होगा सिर्फ यहाँ पे वन बाय टू आएगा सिर्फ यहाँ पे RSS, source resistance, तो तो पे 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 क्या RL, पे क्या था? Input resistance, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाएगा और और था हो इसको equation number two मानेंगे जब हम लोग BJT, amplifier पर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया था करंट गेन कैलकुलेट किया था तो सेम प्रोसीजर से हम लोग जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया था इनपुट इम्पेडेंस कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट इम्पेडेंस कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सी वन एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दी टू आ जाएगा नेक्स्ट हम लोगों को करना है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर सी देखिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर सी सेम आएगा वन बाई टू पाई यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर क्या है तो सी आ जाएगा और आर इफेक्टिव आर इफेक्टिव मीन्स क्या होगा इफेक्टिव रजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस हम लोग अगर इमिटर इमिटेड इमिटर रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव इफेक्टिव और इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा आर ई आर क्या है गा? इमिटर रेजिस्टेंस और आर डैश आर ई डैश हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं आर ई डैश तो उससे हम लोग क्या कर लेंगे आर ई डैश कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तीनों फॉर्मूला से आपको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो ये आपका ग्राफ आएगा सी तो इस तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे कंसिडर करेंगे रिमेनिंग को क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे नाउ नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोगों ने देखा कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर होता है सिमिलरली हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटेंस और स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है पॉइंट को आप रिमेंबर कीजिए अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर होता है यहाँ पे दो कपलिंग कैपेसिटर था C1 और C2 C1 इज एट द इनपुट साइड एंड C2 एट द उटपुट साइड एंड बाई पासपेसिटर कट ऑफेंसी ड्यू टू दैपेसिटेंसिटेंटर इमिटर एंड कलेक्टर और स्ट्रे कैपेसिटेंस हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करता है गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में देखिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पे लिख लीजिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अकर्स ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर एंड हाईर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अकर्स ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग लिख सकते हैं। इस पे आपको numericals भी पूछ सकता है नोमेरिकल्स के लिए आप यह मैंने एक नोमेकल सॉल्व किया है काफी सिंपल है जस्ट डिफरेंट वैल्यू जितना फॉर्मूला में आपको पुट करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो देखिए इसमें कितना था देखिए इसमें कपलिंग कैपेसिटर C1 और C2 है और बाइपास कैपेसिटर C है तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया F1 F2, F1, C1, F1 F2 अगेन ड्यू टू एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगेन ड्यू टू द बाईपास कैपेसिटर और जो मैक्सिमम होगा उसको कंसिडर करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिर थोरम तो मिर थोरम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग हम लोगों को मिरर्स थ्योरम का यूज आता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में विदाउट यूजिंग द मिरर्स थ्योरम वी कैन नॉट कैलकुलेट द हाइर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द मिरर्स थ्योरम देन वी विल कैलकुलेट द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटेंस और स्ट्रे कैपेसिटेंस अब हम लोग देखेंगे कि मिरर्स थ्योरम क्या कहता है व्हाट इज द मिरर्स थ्योरम तो मिरर्स थ्योरम सपोज कोई एम्पलीफायर है जिसका गेन क्या है एवी ओपन लूप एम्पलीफायर है जिसका गेन क्या है एवी है उसको हमने डिनोट किया है एवी से और उसका मालूम है गेन आउटपुट अपॉन इनपुट है तो सपोज एम्पलीफायर में अगर इनपुट और आउटपुट के बीच इंपीडेंस है इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड है इंपीडेंस जेड तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना हो अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे मिडर थ्योरम का हेल्प लेंगे तो मिडर्स क्या बोलता है अगर सपोज देयर इज इंपीडेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड द आउटपुट टर्मिनल एंड वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस इज जेड एंड गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज एवी देन इनपुट इंपीडेंस जेड आई इनपुट इंपीडेंस जेड आई मिरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जेड अपॉन वन माइनस एवीर एवी इज द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर सेकेंड एवी टू बी यूज विथ प्रोपर साइन एवी टू बी यूज विथ प्रोपर साइन इसका मीनिंग ये है कि एवी अगर निगेटिव में होगा तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर पढ़े थे इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज निगेटिव हम लोग देखा था कि गेन ऑफ द एम्पलीफायर क्या था कॉमन इमिटर का निगेटिव था तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेन आएगा निगेटिव आएगा तो सपोज निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा कॉमन इमिटर के लिए तो सपोज कॉमन कलेक्टर के लिए क्या था गेन पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस ए भी ही आएगा बट इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर गेन निगेटिव था इसीलिए क्या हो जाएगा वन प्लस ए भी हो जाएगा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा जेड आई मिरर जेड आई क्या इंडिकेट करता है इनपुट तो जेड आई मिरर क्या हो जाएगा जेड अपॉन वन माइनस एवी फिर वोल्टेज गेनि जेड ओ मिरर मतलब जेड आउटपुट मिरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जेड इंटू एन एवी माइनस वन तो ये दो फॉर्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ मिरर्स थ्योरम नाउ हम लोग टू प्रैक्टिकल केस लेंगे फर्स्ट केस में हम क्या मानेंगे केस वन जेड इज प्योर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव हम लोग जानते हैं कि इंपीडेंस क्या होता है आइदर रेजिस्टिव होता होता है होता है कैपेसिटिव और इंडक्टिव होता है हो सकता है या किसी नेचर में हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जेड क्या है प्योर रेजिस्टिव है मतलब कि सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस ही है ना ही उसमें कैपेसिटर है और ना ही उसमें इंडक्टर है अगर सिर्फ कैपेसिटिव है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा R है तो जहां जहां जेड का वैल्यू है वहां वहां लोग क्या कर देंगे आर इन मिरर टू एवी अपॉन एवी माइनस वन फॉर व्हेन द जेड इज प्योर रेजिस्टिव नाउ हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए थे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का तो मैंने बताया है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का गेन क्या होता है निगेटिव होता है इसीलिए हम लोगों ने क्या माना है ए भी इक्वल टू

आर आउट मिरर क्या हो जाएगा अगर जहां जहां पे ए भी है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस ए भी पुट कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे वहाँ पे अगर एवी का वैल्यू मच मोर हाई होगा तो क्या हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो आर आउट का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा सो so, देखेंगे केस वन में क्या माना था मैंने जेड इज प्योर रजिस्टिंग इन नेचर केस टू में हम लोग क्या मान रहे हैं जेड इज कैपेसिटर जेड क्या है कैपेसिटर और से उसका वैल्यू क्या है कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है सी है तो उसका इंपिडेंस हम लोग जानते हैं कि इंपीडेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है उसको एक्सी से डिनोट करते हैं और एक्ससी का वैल्यू क्या होता है वन बाई जे ओमेगा सी तो जहां जहां पे जेड है जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर पुट कर देंगे और उसको हम लोग क्या पुट करेंगे एक्ससी पुट करेंगे तो आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वन बाई टू पाई एफ सी इंटू वन माइनस ए भी हम लोग अभी क्या करते हैं इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं थैंक यू